यस, 10th क्लास, गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 3.5 के हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म भी करनी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और बाद में हमने उनको सॉल्व भी करना है। तो ये क्या कह रहा है, ए पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। कि अगर आप हॉस्टल लेते हो तो आपको एक फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप उस हॉस्टल में 10 दिन रहो, चाहे 5 दिन रहो, चाहे 20 दिन रहो, एक फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। उसके बाद जितने दिन आप रहते हो उतने दिन के खाने का पे करना पड़ेगा, ठीक है। वो कह रहा है वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, जितने दिन उस बच्चे ने मेस में से खाना खाया उतना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, लेकिन फिक्स चार्जेस तो उसको देने ही देने हैं। तो क्या है, ए टेक्स फॉर फूड फॉर 20 डेज, शी हैज़ टू पे ₹1000। अगर एक स्टूडेंट जिसका नाम ए है वो 20 डेज हॉस्टल में रहता है तो उसको 1000 पे करने पड़ते हैं, और एक स्टूडेंट बी है जो 26 डेज रहता है हॉस्टल में उसको 1180 रुपीज़ पे करने पड़ते हैं। तो बताओ फिक्स चार्जेस कितने हैं और कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे कितना है। जैसा कि आपको पता है ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं, तो हमें टू वेरिएबल्स यूज़ करने हैं। लेट द फिक्स चार्जेस रुपीज़ एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे रुपीज़ वाई। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, मीन्स आपको पहले ही कहा था फिक्स चार्ज तो देना ही देना है, ये तो एक्स देना ही देना पड़ेगा, प्लस 20 डेज खाना खाया तो 20 × y, एक दिन का खर्चा वाई है तो 20 दिन का 20 y हो गया और कुल मिला के 1000 बन गया। सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स प्लस 26 y इज इक्वल टू 1180, ये फॉर्म बन गया हमारा, एक पेयर बन गया। उसके बाद वो कहता है इनको सेट सॉल्व करो किसी भी मेथड से। तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भी कहा था कि एलिमिनेशन मेथड सबसे बेहतर है, सबसे छोटा है, आसान भी होता है। जैसे x और x सेम टर्म है, कोफिशिएंट भी सेम है, तो सीधा साइन चेंज करो, x एलिमिनेट हो जाएगा तो यहाँ से y निकल जाएगा, y की वैल्यू 1 में पुट करो और x निकल जाएगा, तो फिक्स चार्जेस निकल गया और पर डे चार्जेस भी निकल गया। उसके बाद है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है ए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाले सम हम पहले भी कर चुके हैं। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन वन वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमिरेटर, इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। मैं चाहती तो इसको छोड़ सकती थी, न्यूमिरेटर लेट करो, डिनोमिनेटर लेट करो, फ्रैक्शन बन गई न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। फर्स्ट के अकॉर्डिंग वो कहता है वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमिरेटर, न्यूमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर का कुछ नहीं करना, और इसकी वैल्यू 1/3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेट कर दो। सेकंड के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है ओनली, और न्यूमिरेटर में अब कुछ नहीं करना, और 1/4 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन सेट कर दो। अब यहाँ हम देखें पहली और दूसरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर y माइनस का है और यहाँ पर भी y माइनस का है, तो मीन्स एलिमिनेशन सबसे ईजी पड़ेगा, साइन चेंज करो, y से y कट गया, x निकल गया, x 1 में पुट करो, y निकल गया, x और y निकल गया तो फ्रैक्शन बन गई। उसके बाद है पार्ट नंबर 3। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लॉसिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कि 40 मार्क्स का टेस्ट, 40 मार्क्स यश के आए कब, जब एक राइट आंसर के उसको 3 मार्क्स मिले और रोंग का 1 कट गया, डिडक्ट हो गया, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच, अगर उसको 4 मार्क्स राइट के मिलते, करेक्ट के मिलते, और 2 डिडक्ट होते इनकरेक्ट के, तो भी उसके नंबर 50 आते, तो बताओ टोटल क्वेश्चन कितने पुट किए गए। तो सबसे पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ राइट आंसर एक्स और रोंग वाई, तो कुल मिला के एक्स और वाई मीन्स टोटल क्वेश्चन पूछे गए, तो ये एक्स प्लस वाई है, टोटल क्वेश्चन आस्क्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन। अगर 3 मार्क्स करेक्ट को दिए जाते हैं तो 3x हो गया, डिडक्ट होगा 1 मार्क रोंग का, तो 1 के साथ रोंग लगा दो इज इक्वल टू 40। दूसरी कंडीशन में वो कहता है अगर 4 दिए जाएं करेक्ट को और 2 लेस किए जाएं रोंग के, डिडक्ट किए जाएं, तो 50। अब ये सारे इवन थी तो 2 कॉमन लेके शॉर्ट टर्म बना दो इसको, 2 पे कैंसिल हो रहा है तो 2x माइनस वाई इज 25 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस वाई है, यहाँ पे भी माइनस वाई है, एलिमिनेशन लगाओ और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, एक्स भी निकल गया वाई, जल्दबाजी नहीं करनी, टोटल क्वेश्चंस आस्क्ड पूछे हैं, तो यहाँ पर लास्ट में टोटल क्वेश्चंस आस्क्ड भी आपको निकालने हैं। उसके बाद है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में क्या है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे,
हाईवे पर 100 किलोमीटर की दूरी पर दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर बी फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए पर खड़ी है और एक बी पर स्टार्ट होती हैं सेम टाइम पर। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन मीन्स फर्स्ट कार इधर राइट को जा रही है और सेकेंड भी राइट को सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर ये सेम डायरेक्शन में जाती हैं दे मीट इन 5 आवर्स, 5 घंटे बाद मिलती हैं। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर ये फर्स्ट इधर से जा रही है और सेकेंड इधर से जा रही है, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो वो 1 आवर में मिलती हैं। तो बताओ उनकी स्पीड्स क्या हैं। तो लेट स्पीड ऑफ द, पहले आप इस फिगर में ऐसे क्लियर कर दें, इधर जाती हुई दिखाओ, दोनों कारों को सेम डायरेक्शन में जाते हुए दिखा दो, लिख दो दे मीट इन 5 आवर्स। अपोजिट डायरेक्शन में आती हुई दिखा दो, दे मीट इन 1 आवर और टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज़ 100 किलोमीटर। तो अगर वो 5 घंटे बाद मिलती हैं तो मीन्स 5 घंटे दोनों कारें चलती रही। अगर फर्स्ट की स्पीड एक्स किलोमीटर पर आ रहा है और सेकंड की वाई किलोमीटर पर आ रहा है, तो फर्स्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 5 आवर्स, 5 आवर्स के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 आवर्स के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दो। सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में हमेशा माइनस होता है और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस, क्योंकि पीछा कर रही है। अगर वो आगे भाग रही है तो ये भी भाग रही है, तो डिस्टेंस कम एक ये कवर कर पाएगी उसके साथ, तो इसलिए माइनस होता है। लेकिन ये दोनों आ रही हैं तो डिस्टेंस जल्दी कवर हो जाएगा, तो सेम डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस होता है बीच में, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा प्लस होता है। तो 5x-5y इज इक्वल टू 100 बन गया। 5 को मैं निकाल दो, x-y कट गया 100 से, ये 20। दूसरी बार अपोजिट में है तो x प्लस वाई 1 आ रहा है, 1 के साथ x को मल्टीप्लाई करो, 1 के साथ y को, तो x प्लस वाई 100 हो जाएगा। एक बार y माइनस का, एक बार प्लस का एलिमिनेट हो गया, x फिर 60 आ गया। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करके y निकाल दो, तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार एंड स्पीड ऑफ सेकेंड कार, ये आपका आंसर है। उसके बाद है फिफ्थ पार्ट। द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाई 9 square units इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5 units एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाई 3 units। इफ वी इंक्रीज द यूनिट्स लेंथ बाई 3 units एंड द ब्रेड्थ बाई 2 units, द एरिया इंक्रीजेज बाई 67 square units। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। तो आप लेंथ लेट कर लो, ब्रेड्थ लेट कर लो, यूनिट्स में एक्स यूनिट वाई यूनिट्स, तो एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, तो एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर यूनिट। ये तो एक्स और वाई के अकॉर्डिंग, अब वो लेंथ और ब्रेड्थ में जो चेंजेस हैं वो लाएगा। फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग है लेंथ में 5 रिड्यूस किया जाए, ब्रेड्थ को 5 इंक्रीज किया जाए, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, फिर ये जो है नया एरिया होगा वो कहता है पहले वाले एरिया से 9 रिड्यूस हो जाता है, तो पहले वाला एरिया एक्स वाई है उससे 9 रिड्यूस हो जाता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, आपको आता है ये, तो एक्स वाई से एक्स वाई कट के एक इक्वेशन सेट हो जाएगी। फिर दोबारा कहता है कि अगर लेंथ में 3 इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेड्थ में भी 2 इंक्रीज कर दिया जाए, तो एरिया 67 बढ़ जाता है, एक्सीड्स हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो पहले वाले एरिया में 67 ऐड करना है, तो यहाँ से भी दूसरी इक्वेशन सेट हो जाएगी, दोनों को एलिमिनेट कर लो। अब यहाँ पर एलिमिनेशन में देखो, फर्स्ट है 3x-5y इज इक्वल टू 6, दूसरा है 2x+3y इज इक्वल टू 61। ना तो x का कोफिशिएंट इक्वल है और ना ही y का कोफिशिएंट इक्वल है, तो अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर माइनस है यहाँ प्लस है, तो हम y का कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। y का कोफिशिएंट इसका और इसका इक्वल बनाने के लिए क्या तरीका होता है, कि जो इसका y के साथ कोफिशिएंट है 3, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और जो इसका कोफिशिएंट है 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जब इसको 3 से करेंगे तो 15 बन जाएगा और इसको 5 से करेंगे तो 15 बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन को करना है, जब हम पूरी इक्वेशन को 3 से करेंगे तो 3 3 9x-15y इज इक्वल टू 18, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 10, 5 3 15 और 61 को 5 से 305। अब ऑलरेडी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है कैंसिल हो जाएंगे, तो x आ जाएगा 323/19, तो कट के 17 आ गया, और फिर y निकाल दो, तो यहाँ y भी निकल गया, तो मीन्स लेंथ कितनी हुई, जो x था 17 यूनिट्स और ब्रेड्थ कितनी हुई 9 यूनिट्स। तो ये थे आपके 5 पार्ट्स, इसके अच्छे से समझो और अपनी कॉपी कंप्लीट करो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।